back to my YouTube channel another day another vlog and आज का vlog बहुत late start हो रहा है. अभी बज रहे हैं 2 actually you all can see के 2:30 बज गए हैं and मैंने बहुत late vlog start करी but never mind. आज मेरा plan है nails अपने nails करवाने का. You all can see के मेरे nails की हालत ना बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है and I see a lot of comments that you guys want to see a detailed video of nail extensions. So yeah, that's what we're gonna do today. आज मैं सोच रही हूँ अच्छे से अपने nail extensions कराऊँ and properly आपको दिखाऊँ कि exactly you know क्या क्या होता है, कितनी cost होती है, कितना time nails चलते हैं, कौन से वाले nails better होते हैं, gel या acrylic, हमारे nails को कोई damage तो नहीं होता. तो ये सारा कुछ मैं cover करने वाली हूँ आज की video में. But before we get started, if you haven't subscribed to my channel already, go ahead and subscribe to my YouTube channel. Also, please follow me on my Instagram as well. Now let's get right into this video. As you all know, कि भी already बहुत ज़्यादा late हो गया, so I'm just gonna quickly get ready. मैं फटाफट से नहा लेती हूँ and मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. Guys, this is what I'm gonna wear. ये black color की skivvy and then black color की उसके साथ jeans निकाली है मैंने. एंड ये रेड कलर की डेनिम नहीं पफर जैकेट. आप लोग मुझे बताओ कि अगर आप लोग को याद है ये मैंने डेनिम जैकेट कहाँ से लिया, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. And then I have to wash my hair as well. You all know that I have been struggling with my hair क्योंकि मैंने इतने ज्यादा डैमेज कर लिए हैं. मैं हर वीडियो में रो रही होती हूँ कि मेरे बाल खराब हो गए. So today we are going to try to fix that as well. But उससे पहले फटाफट से नहा लेते हैं एंड बाल धोकर आती हूँ मैं. Guys, I am back and मैं नहा भी ली हूँ. मैंने हेड वॉश भी कर लिया है एंड काफी ज्यादा अच्छे फील हो रहे हैं मेरे बाल ऑलरेडी. एंड लेट मी शो यू द शैम्पू दैट आई यूज टुडे. गाइस, आई यूज दिस टच अप शैम्पू एंड यू ऑल कैन सी दैट इट इज केराटिन डैमेज रिपेयर एंड मेरे बाल ऑलरेडी डैमेज है. सो दिस इज व्हाट आई यूज एंड काफी सही लगा मुझे शैम्पू एंड प्लस द फ्रेग्रेंस इज सो नाइस. नाउ I'm gonna do a little hair spa at home. जल्दी से कर लेंगे and it will hardly take 15 minutes. And वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं तो मैं जल्दी से वो कर लेती हूँ. And for that I'm gonna use a stitch up hot oil treatment hair mask. So guys, जब भी आप शैम्पू करते हो ना हेयर मास्क को कैसे लगाना होता है, हेयर मास्क को आप अपने रूट से लेकर टिप पर पूरे पे लगाओगे एंड आप उसको अच्छे से मसाज करके जस्ट लीव इट फॉर 15 मिनट्स. मैं साथ साथ कर लेती हूँ. यू ऑल कैन सी दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. हैव टू मेक श्योर कि आपके बाल टॉवल ड्राई हों एंड देन आप उसको अच्छे से मसाज करो अपने बालों को लाइक दिस. दिस हेयर मास्क प्रोवाइड्स अ कम्प्लीट चेंज ओवर फ्रॉम ड्राई अनमैनेजेबल हेयर टू सिल्की स्मूद हेयर. इट्स अ डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट दैट नर्चर्स एंड स्ट्रेंथन हेयर रूट्स एज शाइन्स एंड मेक्स योर हेयर सॉफ्टर एंड मैनेजेबल. एंड गाइस, इस पूरे प्रोसीजर के बाद यू कैन इवन आप अपने बालों को ना अच्छे से हॉट टॉवल के साथ रैप भी कर सकते हो और उससे ना आपके बालों में अच्छे से स्टीम भी मिल जाएगी तो और ज्यादा अच्छा रहता है आपके बालों के लिए. सो गाइस, दिस हेयर मास्क विल आल्सो प्रिवेंट एंड रिपेयर फ्रॉम ऑल द डैमेज. इट रिटेन्स द मॉइस्चर एंड इट इम्प्रूव्स द हेयर अपीयरेंस एज वेल. इट आल्सो रिमूव द फ्रिजीनेस फ्रॉम योर हेयर. तो अच्छे से लगाना है हेयर वॉश के बाद एंड नाउ आई एम जस्ट गोना मेक अ बन. And guys, this product has 0% paraben and 0% silicone, so it's really good for your hair. Also, it is vegan, cruelty free, and dermatologically tested as well, which is great. Plus, you can use my code, which is Dilly10, to save some money on your purchase. And I will link everything in the description down below, so don't forget to check that out. जल्दी से मैं पानी से इसको धोती हूँ, and then I will show you the result. Guys, मैंने अपने बालों को wash कर लिया, and my hair feels so fresh and बहुत ज़्यादा smooth भी लग रहे हैं. मैं अभी आपको पीछे से भी दिखाती हूँ बट एंड मैंने हल्का सा मेकअप भी कर लिया है. नाउ आई एम गेटिंग लेट एंड जल्दी से चलते अपने नेल्स कराने. सो गाइस, आई एम एट द सैलून फाइनली एंड फाइनली मैं कराने वाली हूँ. मेरे नेल्स की हालत देखो, को पता है कि मैं कितनी इम्पेशेंट हूँ. फटाफट से नेल पेंट लगाती हूँ और कुछ ना कुछ करने लग जाती तो खराब हो जाते हैं. तो दिस इज गोना सॉर्ट माई लाइफ लाइक बहुत ईजी कर देता है ये. तो जल्दी से चलते हैं हम कराते हैं. मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या यू नो डैमेज तो नहीं होता या सब कुछ मैं आपको बताऊंगी. लेट्स गो. तो गाइस, सबसे पहले दे स्टार्टेड बफिंग माय एक्चुअल नेल एंड उन्होंने मेरी एक्चुअल नेल जो मेरे नेचुरल नेल है उसको अच्छे से बफ किया एंड उसके बाद मेरे नेल बेड के अकॉर्डिंग नेल सिलेक्ट करके उसको ग्लू की हेल्प से उसको लगाया, अच्छे से स्टिक करा. गाइज, यू ऑल कैन सी दैट दीज नेल्स आर क्वाइट लॉन्ग बट उन्होंने एक एक नेल को मेजर करके अच्छे से लगाया ग्लू की हेल्प से.
सारे नेल्स लगाने के बाद शी वॉज पुशिंग माई क्यूटिकल सो दैट इसके ऊपर एक्रेलिक पाउडर अच्छे से सेट हो सके. यू ऑल कैन सी कि अभी भी ये वाले नेल्स काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, तो उन्होंने मेरे चॉइस के अकॉर्डिंग उसको कट करा. आप अपने हिसाब से जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसके हिसाब से इसको कट करवा सकते हो. अभी भी उन्होंने एक बार कट करा, स्टिल मुझे लॉन्ग लग रहे थे, तो उन्होंने एक दो बार उसको और ट्रिम करा. एंड जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग उसको रखवा सकते हो. एंड देन ऑब्वियसली इसको बाद में जब शेप होगा तो भी इसकी लेंथ थोड़ी सी कम और हो जाती है. नाउ आई वॉज हैप्पी विद दिस लेंथ, तो उन्होंने बाकी नेल्स को भी इसी लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लिया. एंड उसके बाद शी इज अगेन बफिंग द फेक नेल्स सो दैट वो मेरे नेल एक्चुअल नेल के साथ एकदम बराबर हो जाए. सो ये कितने टाइम तक चल जाते हैं नेल? 25 डेज आराम से चल जाता है. एंड जो ओरिजिनल जो हमारे खुद के नेल्स होते हैं उससे कोई डैमेज तो नहीं होता? इतना नहीं, मतलब अगर रेगुलर कराएंगे तो मे बी. क्या एंड यूजली कॉस्ट क्या रहता है इसका? जितना हैवी हमने कराना है वो तो उसके हिसाब से बैठ जाएगा. इफ यू वॉन्ट परमानेंट नेल पेंट एज वेल तो आपको काफी सारे ऑप्शन दिखा देंगे, आप उसके अंदर से अपनी चॉइस का कलर चूज कर सकते हो. नाउ अब स्टार्ट होगा अक्रेलिक लगाने का प्रोसीजर. यहाँ पे वो अक्रेलिक पाउडर को इस सॉल्यूशन में मिला के लगाते हैं जिससे आपके नेल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं. बेसिकली यही आपको नेल एक्सटेंशंस की प्रॉपर लुक देता है. अक्रेलिक लगाने के बाद अगेन शी हैज़ बफ्ड माई नेल एंड उसके बाद लगी गई हमारी नेल पेंट. एंड अगर आपको कोई नेल आर्ट कराना है वो भी करवा सकते हो. उसके बाद यू हैव टू कीप योर हैंड अंडर यूवी लाइट सो दैट ये वाली नेल पेंट ड्राई हो सके. एंड या गाइस दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट. बट उसके बाद मुझे ये वाला नेल पेंट का कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने दोबारा से अपना नेल पेंट का कलर चेंज करवाया एंड दे वेरी काइंड इनफ टू डू इट फॉर मी. सो या दिस इज़ माई फाइनल न्यूड नेल पेंट. आपको लाइन में जॉरी में हूँ बाई दबे में आई हूँ आपके चार पे भी कुछ खाने. Hi guys, so this is the day number 2 and actually मुझे ये पूरी अपडेट ना आपको कल ही देनी थी. But thank God I waited till today and I'll tell you why. So guys, मैं अपने सारे points अभी cover करती हूँ. तो जब भी आप usually nail extensions कराते हो आपको दो options मिलते हैं, gel nails और acrylic nails. मैं हमेशा ज्यादातर मैंने acrylic nails ही कराए because it is much more cheaper. I think gel nails थोड़े से expensive होते हैं. Now I'll tell you the price. जब भी आप acrylic nails कराओगे ना depend करता है आपके area के हिसाब से price भी depend करता है. तो मैं गई थी Rajouri Garden and usually रजौरी गार्डन तिलक नगर साइड में आपको 400-450-500 तक स्टार्टिंग हो जाती है एक्रेलिक नेल्स की, जिसके अंदर आपको प्रॉपर दोनों हाथों की नेल एक्सटेंशन फॉलो करके देते हैं विदाउट एनी नेल पेंट. अगर आपको परमानेंट नेल पेंट लगानी है देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स में आपको ऑफर मिल जाएगा स्पेशली रजौरी में तिलक नगर में कि आपको 500 में परमानेंट नेल पेंट भी मिल जाएगी और एक फिंगर पे वो कुछ ग्लिटर से नेल आर्ट करते हैं वो सब भी 500 में मिल जाएगा. ऑफर चल रहा होता है तब. एल्स आपको बेसिक नेल्स मिलते हैं 500 में मोस्टली. तो मैंने इस बार परमानेंट नेल पेंट भी लगाई है. नाउ व्हाट इज परमानेंट नेल पेंट, मैं इसके ऊपर कोई भी कलर लगा सकती हूँ. एंड जब मैं उस कलर को रिमूव करूंगी तो ये वाला कलर नहीं जाएगा, मैंने न्यूड कलर लगवाया है.
तो ये वाला कलर परमानेंट नेल पेंट में आता है, ये नहीं उतरता है अपने आप, ये इसको बफ करके ही वो लोग निकालते हैं, एल्स नहीं निकलेगा। इसका स्टे जो होता है उन्होंने मुझे बताया था 25 डेज, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नेल ग्रोथ। जैसे जैसे आपकी नेल ग्रोथ आती जाएगी ना, ये वाला नेल आगे बढ़ता जाएगा, एंड देन यू हैव टू गो फॉर अ रीफिलिंग सेशन। तो आपको रीफिलिंग करवानी पड़ेगी, रीफिलिंग का भी ऐसे 500-600 कुछ रुपए लगता है। बट अगर आप कंटिन्यू बैक टू बैक करवाते हो ना, देन आपके नेल्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं, एल्स कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कराती हूँ तो नेल्स इतने ज्यादा डैमेज नहीं होते, ऑब्वियसली डैमेज थोड़े बहुत होंगे बिकॉज वो आपके एक्चुअल नेल को ना अच्छे से बफ करते हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत डैमेज होगा, बट आप कंटिन्यू कराते रहते तो ज्यादा डैमेज होता है, एल्स ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली आपको बेसिक नेल्स विदाउट एनी नेल आर्ट एटलीस्ट मिनिमम 1 से 1.25 घंटा लगेगा आपको। अगर आपको नेल आर्ट कराना है तो टाइम ज्यादा लगता है, डिपेंड्स ऑन योर नेल आर्ट उसके अंदर कितना टाइम लगेगा। अगर आपका जितना डिजाइन हैवी होगा उसके हिसाब से आपका प्राइस भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आपको पूरे में स्टोन्स लगवाने हैं या फिर यू नो बटरफ्लाई लगवानी है या फिर कुछ ऐसे मार्बल आर्ट करवाना है तो उसके हिसाब से आपका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। जैसे 500 रुपए के बेसिक नेल्स प्लस जितना आप उसके ऊपर नेल आर्ट कराओगे उसके हिसाब से आपका प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। मैं यूजली क्या करती हूँ, आई टेल यू द चीपेस्ट वे, आप बेसिक नेल्स कराओ, यू डोंट इवन हैव टू गेट परमानेंट नेल पेंट। यस, आप यूजुअली कोई भी आप लोकल नेल पेंट भी लगाओगे ना नेल एक्सटेंशन वाले नेल्स के ऊपर तो वो उतरती नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि उसको यू नो वर्थ करता है हमें एक्स्ट्रा पैसे देके वहां पे लगवाना, बिकॉज कोई भी रेगुलर नेल पेंट लगाओगे वो उतरेगी नहीं, उतना ही टाइम चलेगी। एंड देन आप अपने हिसाब से यू नो डेली नेल पेंट को चेंज कर करके लगा सकते हो। नाउ आई विल टेल यू हाउ कन्वीनियंट दे आर। तो स्टार्टिंग में अगर आपने पहली बार कराया ना तो आपको कंप्यूटर, अगर आपको काम है कंप्यूटर का तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट उसके बाद यू गेट यूज टू इट। मेरी तरह इम्पेशेंट हो, लाइक मैं नेल पेंट लगा के मुझसे सबर नहीं होता, मैं फटाफट से कुछ ना कुछ काम करने लग जाती हूँ तो मेरे नेल्स खराब हो जाते हैं, प्लस मेरे नेल की ग्रोथ होती नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ है देन इट इज कन्वीनियंट, अदरवाइज आप किसी फंक्शन पे जा रहे हो या पार्टी भी जा रहे हो तब आप लोग ऐसा कुछ नेल आर्ट करवा सकते हो, एंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो रहा है। एज आई सेड कि यू नो 400-500 रुपए में स्टार्टिंग हो जाती है। चलिए मेरी स्टोरी की, मेरे साथ कल क्या हुआ, मैंने 500 रुपीज दिए थे अपने दोनों हाथों के नेल एक्सटेंशन के लिए विद माय नेल पेंट, उन्होंने मुझे डिस्काउंट करके 500 रुपए बोला था। नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क, जो साइड्स होती है ना नेल की वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ जैसी थी और बिल्कुल भी अच्छा फिनिशिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने उनको दिखाया एंड दे वर वेरी काइंड इनफ, तो उन्होंने मुझे दोबारा से प्रॉपर मेरा नेल आर्ट दोबारा करा, उसको पूरा बफ करके दोबारा से करा। उसके बाद उन्होंने मेरा नेल पेंट भी मेरे हिसाब से चेंज करके लगा दिया था, सो दैट वाज अ रियली गुड थिंग। बट जब मैं घर आई ना, आई वाज वेरी हैप्पी विद माय नेल्स, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेंथ भी अच्छी थी, शेप भी अच्छी थी। मैं घर आ गई, घर आके सो गई, बट मैं सुबह उठी तो यू ऑल कैन सी कि एक नेल ऑलरेडी गायब है, एंड आई डोंट नो, मेरे साथ कभी नहीं होता ऐसा कि एक दिन के अंदर निकल जाए, यानी पूरा का पूरा यू ऑल कैन सी कि टूट गया ये वाला नेल। तो मैंने उनको सुबह सुबह कॉल करा, एंड सिंस टुडे इज सैटरडे एंड दिल्ली में यू ऑल नो कि वीकेंड कर्फ्यू है, तो उनका सैलॉन भी अभी स्टूडियो बंद होगा नेल का। आई डोंट नो उनके स्टूडेंट ने मेरा ये नेल आर्ट करा था इसीलिए जल्दी निकल गया, आई हैव नो आइडिया, बट उन्होंने मुझे मंडे को दोबारा बुलाया है ये वाला नेल मेरा फिक्स करने के लिए, तो होपफुली तब ये ठीक हो जाएगा। एंड थैंक गॉड आई वेटेड टिल टुडे कि मैं आपको दिखा पाऊं कि ऐसा भी हो जाता है, बट अगर एक दो दिन के अंदर ऐसे नेल खराब हो जाते हैं ना तो वो फिक्स कर देते हैं वो लोग, कोई भी नेल आर्ट वाला कर देगा। तो ये हो गया मेरे साथ, तो मुझे मंडे तक वेट करना पड़ेगा इसको फिक्स कराने के लिए। एंड आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव योर कॉमेंट इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो, लाइक मुझे बता देना कमेंट करके अगर कुछ भी कंफ्यूजन है अभी भी। एंड या गाइज, आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, हेल्पफुल हो, एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।